तो यार आ जाओ वापस और बनाते हैं अपना पहला प्रोजेक्ट डिजेंगो में, ठीक है, जेंगो में, सॉरी। तो यार आने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, अपने जब अपन आप लोग जाएंगे, आप जाओ यहाँ पे डेस्कटॉप में जाओ, यहाँ पे क्रिएट करो अपने न्यू फाइल। और मैंने यहाँ पे जैसे देख सकते हो, मैंने नाम दिया इसका जेंगो फुल कोर्स, ठीक है। इसको राइट क्लिक करोगे तो यार ओपन विद कोड ऑप्शन आ गया मेरा। अब मैं इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऐड पे पिप आप करना है, वो करोगे और वहाँ पे कुछ ऑप्शन और जो भी आ रहे होंगे वो सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेना। आपका ऑप्शन आएगा, वैसे मैक्सिमम चांसेस है कि आ जाएगा, लेकिन 1% वो लोग हैं भाई जिन्होंने ऐड पे पिप नहीं किया होगा, जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मैंने सही अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ये फोल्डर को खोल लिया है, और उसके बाद अपन लोग करेंगे थोड़ा काम, ठीक है। उसे खोलने का वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यार मेरा ये विजुअल स्टूडियो कोड में मेरा फोल्डर खुल चुका है, और यहाँ पे मेरा टर्मिनल भी लोड हो रहा है। अगर आपका टर्मिनल शुरुआत में क्लिक नहीं आता तो आप यहाँ ऊपर जाओ, टर्मिनल में क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना, आपका ये खुल जाएगा नीचे, ठीक है, कंसोल जो भी है टर्मिनल खुल जाएगा आपका। और उसके बाद ये सब चीज़ें फालतू की से काट देते हैं और इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं, ठीक है। तो यार ये मेरा लोड हो चुका है पूरा, और ये वेलकम स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, से होकर मैं काट देता हूँ जो भी है। मैं टर्मिनल में आऊँगा अब, और अब क्या करना है यार, अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमारा डिजंगो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको मैं काट देता हूँ यार, रुक जाओ, यहाँ पे लिखेंगे डी जे एंगो एडमिन, ठीक है। डी जे एंगो आदमी लिख दिया मैंने, सॉरी डी जे एंगो जेंगो एडमिन लिख दिया। उसके बाद हम एंटर मारूंगा, और उसके बाद अपन लोग देखेंगे ये क्या आउटपुट देता है, ठीक है। और ये लैग होते हुए, और मैंने एंटर मारा, और ये उम्मीद ये आ गया हमारा, देखो ये सब आ गया, हमारे सारे कमांड्स हैं ये सब आ गए हैं, ठीक है। तो मैं इसका मतलब है कि हमारा डिजाइन को सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा, ठीक है। अवेलेबल सब कमांड्स यहाँ पे देख सकते हो आप जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब अगर आप में आ रहा है तो भाई आपका डिजाइन को सक्सेसफुली चल चुका है आपके सिस्टम में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन का ही। अब आगे चलते हैं, अपना एक पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप मेरे साथ लिखो यहाँ पे डी जे एंगो एडमिन, डी जे एंगो आदमी, और यहाँ पे लिखो स्टार्ट प्रोजेक्ट, सॉरी स्टार्ट, यार ये क्या हो रहा है, स्टार्ट प्रोजेक्ट। और अपने प्रोजेक्ट का हम लोग नाम नाम देते हैं माई साइट, ठीक है। यार यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं नोट कराना चाहूँगा कि माई साइट की जगह प्लीज़ यहाँ पे कुछ फ्लास्क डिजेंगो, सॉरी फ्लास्क जेंगो, और कुछ भी ऐसा मॉड्यूल मत लिख देना जो पाइथन का होता हो, कुछ भी मतलब ऐसा मत लिख देना, ठीक है। कोई बिल्ड इन मॉड्यूल मत लिख देना, मतलब भाई इतना मतलब प्रॉब्लम फेस करोगे ना, क्या बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे माई साइट लिखो, आप भी माई साइट लिख दो, ठीक है। और एक बार एंटर मारो और जादू देखो यहाँ पे क्या होगा। एंटर मारते ही क्या करेगा अपन, इस फोल्डर में जेंगो फुल कोर्स के फोल्डर में अपना ये वो कर देगा, क्या बोलते हैं, फाइल क्रिएट कर देगा माई साइट नाम की। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने छुआ भी नहीं हो, यहाँ पे माई साइट नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसके अंदर ये कुछ कोड लिखेगा, ये अपने मतलब अपनी तरफ से कुछ फाइल्स प्रोवाइड कराएगा जिसमें इनबिल्टली कोड लिखा होगा, ठीक है। हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यार वो कोड कौन कौन से फाइल्स होंगी देखेंगे ज़रा। एक तो है होगी init.py जहाँ तक मुझे अंदाजा, और फिर होगी सेटिंग url wsgi और manage.py हो गए, देखते हैं क्या होता है। तो यार शायद क्रिएट हो चुकी है मेरी। तो भाई लोग अपने यहाँ पे देखो माई साइट के अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट हो चुका है माई साइट, और उसके अंदर भी init.py sgi, ठीक है, ASGI क्या है ये, चलो जो भी है, settings.py urls.py मैंने wsgi, तो यार manage.py भी खुल चुके, ठीक है। तो यार अपन लोग अब आते हैं यहाँ पे, आओ ठीक है, और यहाँ पे ls लिख दो, यहाँ पे ls लिखोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिस्ट करा देगा जो भी आपके इसमें है, ठीक है। सारी जो भी वो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सब आपको लिस्ट करा देगा, जैसे कि manage.py दिखाएगा मेरे को यहाँ पे अभी, एक देखते क्या दिखाता है ये, मैं सही कह रहा हूँ या गलत। आ जा
आ जा भाई यहाँ पे, माई सेट दिखा रहा है। देखो माई सेट, हमारे माई सेट के अंदर सब फोल्डर क्रिएट हो गया, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है तो यार अब चलते हैं, अब थोड़ा क्रिएट करते हैं अपना वो सब रन सब वाला मामला निपटाते हैं। लेकिन उससे पहले यार ये सब जो फाइल है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। इतना डीप डाइव नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम लोग अभी बिगनर्स हैं। ठीक है, इतना मतलब हम डीप डाइव नहीं करने वाले। तो यार फिर आप फाइल पहली फाइल देख सकते हो, INIT.py, तो सब में होती ही होती है। ठीक है तो इसके अंदर थोड़ा झांक वाँक लेते हैं, इसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ कोड लिखा है क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा। चलो आगे चलते हैं। ESGI.py, इसमें कुछ लिखा है क्या? यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन पे, इसमें इन्होंने OS मॉडल को इम्पोर्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ settings.py, इसमें क्या होता है, हम इसको चेंज करेंगे आगे जब हम फ्यूचर वीडियोज़ में डालूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस लाएं, तो यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स को अपने हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। ठीक है, और URLs में अपनी सारी URL रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, और उसके नीचे आप WSGI देख सकते हो। पहली बात तो यार इसे कहीं नोट डाउन लिख लो, फोटो खींच लो, जो भी करना कर लो, कि WSGI की फुल फॉर्म क्या होती है। वो है आई के नहीं पेपर में, लेकिन यार इंपॉर्टेंट है कि क्या होती है, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपना क्या बोलते हैं, होस्टिंग से रिलेटेड सारा काम आता है इसके अंदर। ठीक है, तो यार वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो manage.py, और उसका यहाँ थोड़ा मेन काम है। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे और करते हैं अपना वेबसाइट वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, मैं काट देता हूँ इसे, और इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। लेकिन उससे पहले यार ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई हम थोड़ी डायरेक्टरी में आगे पीछे हो रखे हैं थोड़ा सा, तो इसको मैं एक डायरेक्टरी डालूंगा माई साइट के अंदर, क्योंकि manage.py वो हमारे माई साइट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर CD लिखूँगा। ठीक है, जो कि एक कमांड है डायरेक्टरी को चेंज करने का, चेंज डायरेक्टरी मोड में, तो CD लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर अपन लोग डालेंगे, CD के बाद क्या डालेंगे, माई साइट। ठीक है, माई साइट डालूँगा, लिख दिया है मैंने बहुत पहले, ये पता नहीं लैग हो रहा है, थोड़ा लो रिसोर्स वाला कंप्यूटर है यार, कोई बात नहीं, आराम से। तो ऐसा होने के बाद CD माई साइट लिखने के बाद मैं एंटर मारूंगा, और ये मेरी डायरेक्टरी को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो डिजाइन को फुल कोर्स के बाद माई साइट आ गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना पाइथन manage.py, और manage.py के बाद रन सर्वर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अभी लिख दिया पाइथन manage.py रन सर्वर। उसके बाद मैं इसको एंटर मारूंगा, तो यार ये मेरे को पूरा ये क्या बोलते हैं, manage.py के फोल्डर में से कोई फाइल में से कुछ कर कुरा के कुछ यहाँ पे कैशेज कैशेज क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, जो भी है आगे देखेंगे इसे। तैयारी में जो कि URL देगा, और URL उस URL को मैं अगर अपने ब्राउज़र में जाकर कॉपी करूँगा, तो मेरे को अपनी वेबसाइट दिख जाएगी बिल्कुल। अब वो वेबसाइट यार मतलब बकवास होगी, कुछ करेंगे कर नहीं सकते उस वेबसाइट का, वो आगे हम करेंगे मॉडिफाई वगैरह जो भी करना है। ठीक है, तो यार मुझे एक URL दे दे बस जल्दी से। तो भाई ये लोग ये शायद इसने मुझे दे दिया, ये रहा ये रहा ये रहा URL अपना, ये रहा। तो यार मैं इसको मार लूँगा कॉपी। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना, हो रही है हो रही है, चलो ठीक है, इसको मार लूँगा कॉपी। और उसके बाद मैं गूगल पे जाऊँगा, और यहाँ पे अपने यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा अपने इस URL को, और पेस्ट करने के बाद एंटर मारेंगे तो अपनी वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे बिल्कुल। तो डिजाइन को दी वेब फ्रेमवर्क टाइटल आ चुका है भाई, यहाँ पे क्या रहा है, दी वेब फ्रेमवर्क फॉर परफेक्शनिस्ट विद डेडलाइंस। तो यार ये अपनी वेबसाइट आ चुकी है। अब इसे वेबसाइट करने का हमें हक तो नहीं है अभी, क्योंकि हम इसमें क्या करूँ, मैं इसको मतलब अचार डालूँ क्या करूँ भाई, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो यार सिंपली हमने के रन सर्वर क्रिएट करके ये तो पता लगा लिया कि भाई दी इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन से लिख दिया इसने भाई, मतलब हमारा काम कर रहा है सब कुछ डिजाइन को एकदम बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, तो अभी आने वाली वीडियोज़ में और भी जानेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।